नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय भूषण। आज मैं आपको लेके आया हूं द्वारका मोड़ पे 4BHK का अल्ट्रा लग्जूरियस फ्लैट दिखाने, जो कि है एल टाइप कॉर्नर 135 गज में। दोस्तों थोड़ा सा गला खराब है आज, बियर करिएगा। बाकी मैं इंट्रोडक्शन देना शुरू करता हूं आपको। सबसे पहले 4BHK कितने में, 135 गज में, 135 स्क्वायर यार्ड एल टाइप कॉर्नर फ्लैट है, ठीक है। कॉलोनी का नाम भगवती गार्डन, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से उतरते ही अतुल चौक पे आते ही बिल्कुल अतुल चौक पे ये प्रॉपर्टी है। तो मेन रोड से हो गया मुश्किल से 100 मीटर्स की दूरी पर, मेन रोड से 100 मीटर्स, मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर। मेट्रो स्टेशन कौन सा लगता है? द्वारका मोड़ का। गली आगे कितनी है? 22 फुट की। एल टाइप कॉर्नर है आगे 22 फुट, साइड में 10 फुट। 4 बेडरूम 3 टॉयलेट फ्लैट, अल्ट्रा लग्जूरियस काम किया हुआ है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं ना एकदम शानो शौकत से रहना, उन लोगों के लिए है। लिफ्ट है, कार पार्किंग है, सिंगल यूनिट फ्लैट है। जी हाँ दोस्तों, सिंगल यूनिट फ्लैट, LIC से भी लोन हो जाएगा, कहीं से भी आराम से सिंगल यूनिट पे लोन हो जाएगा। रजिस्ट्री फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री है प्रॉपर, 80% लोनेबल है। फ्री होल्ड है तो ऑफकोर्स लोन मिल जाएगा आपको 80% तक, या 85% तक इस पे आपको इजीली लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आसपास मैं बता रहा हूँ, द्वारका मोड़ का एरिया है, आपको खाने पीने के सारे जॉइंट्स मिल जाएंगे, डोमिनोज वगैरह, बर्गर किंग वगैरह सब चीज़ें हैं, ग्रॉसरी वेजिटेबल मार्केट, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल मार्केट बगल में लगती है। द्वारका मोड़ जो द्वारका की एंट्री है, द्वारका की एंट्री यहाँ से 150 मीटर्स पे है, और जो पार्क है वो विपिन गार्डन का पार्क यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, और जो द्वारका का पार्क है सेक्टर 13 का पार्क वो यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर है। तो कोई भी पार्क में भी जा सकते हैं आप। और स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल इस रोड पे ही, 2 नर्सिंग होम हैं और स्कूल भी हैं। बाकी बड़े स्कूल्स, अगर बड़े स्कूल और बड़े कॉलेजेस और बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ से मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर, सर्कल के अंदर आपको सारे बड़े स्कूल, बड़े कॉलेजेस, सब चीज़ें, बड़े हॉस्पिटल, सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो सहूलियतों के हिसाब से सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बिजली है, पानी है, दिल्ली जल बोर्ड का, और क्या चाहिए दोस्तों। ये उन लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है जो चाहते हैं अल्ट्रा लग्जूरियस फ्लैट और जिनका बजट है 1 करोड़ से नीचे नीचे का। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और इसकी वीडियो, इसका वॉक थ्रू आपको दिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखना, दिल खुश हो जाएगा, ऐसा रज के फ्लैट बनाया ना, दिल खुश हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, इसका वॉक थ्रू शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको 4BHK का 135 गज एल टाइप का फ्लैट। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारे मेन एंट्री से। सबसे पहले तो यहाँ पे जो डिजिटल लॉक लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट भी है, अनलॉक करने के लिए कॉम्बिनेशन भी है, न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन, नीचे की का भी इंट्रोडक्शन है। तो आप आराम से दोनों तीनों चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो ये हम एंटर कर गए हैं। सबसे पहले आया ड्राइंग रूम हमारा। दोस्तों ड्राइंग रूम की बात करते हैं, एरिया है इसका 21 फुट बाय 15 फुट, 21 फुट बाय 15 फुट का ड्राइंग रूम है, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं, पहले आप एक्सेट वॉल देखिए यहाँ पे, दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, लवली। ये एक्सेट वॉल देखिए, बहुत ही प्यारा काम किया हुआ इसके अंदर। ये आपका सोफा एरिया आ गया, एक्चुअली सोफे अभी आज आए नहीं थे, आज शाम को आने हैं तो इस चीज़ के लिए सॉरी कहूँगा। सोफ़ा यहाँ पे एल टाइप का लगेगा, 7 सीटर सोफ़ा, यहाँ 2 पफी लगेंगे या फिर रूम चेयर जो होती हैं या हाइविंग चेयर होती हैं उस तरह के लगा सकते हैं। पीछे यहाँ पे एक्सेंट वॉल देखिए, मेटल वर्क किया हुआ है, पीछे यहाँ पे वॉलपेपर लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको लूअर्स का काम किया हुआ है, AC का मोटी की वायरिंग छोड़ी हुई है, यहाँ पे मोल्डिंग का काम किया हुआ है ब्यूटीफुल वाइट कलर का, यहाँ पे आपको मेटल वर्क किया हुआ है। ये आ गए हमारे डाइनिंग एरिया के अंदर, 6 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पे दी हुई है। तो ये जो सोफ़ा लगेगा दोस्तों, यहाँ पे एल टाइप का सोफ़ा जो लगेगा उसके बिल्कुल सामने, दिस इज़ द टीवी पैनल, काफ़ी बड़ा टीवी पैनल है, अंदाजन 8 फुट के आसपास है, जिसमें लूअर्स का काम किया हुआ है, प्रोफाइल लाइट का काम किया हुआ है, माइका और रोज गोल्ड का काम किया हुआ है। नीचे यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम, एम्पलीफायर, ये सब चीज़ें रखने के लिए जगह भी दी हुई है। उसके जस्ट बगल के अंदर हमारा मंदिर है, मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल है, मंदिर दिया हुआ है, नीचे सामान रखने के लिए स्टोरेज दी हुई है, ब्यूटीफुल, इसमें कोरियन मार्बल का काम किया हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम।
तो दोस्तों ये हमारा ड्राइंग रूम है, चारों तरफ घूम के देखेंगे, हर वॉल पे कुछ ना कुछ किया हुआ है हमने और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रीमियम है। नीचे नीचे विट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स हैं 5x2.5 की। ऊपर आप देख सकते हैं शैंडलियर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और फॉल सीलिंग देखिए, सिंपलिस्टिक डिजाइन है फॉल सीलिंग का, प्रोफाइल लाइट्स का काम किया हुआ है, ब्यूटीफुल। तो ये था हमारा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के बाद चलते हैं हमारे किचन के अंदर। तो दोस्तों किचन है 9 फुट बाय 6.5 फुट की। ये हमारा काउंटर टॉप जो है ये बेज कलर के अंदर है, माइका जो है ऑफ वाइट के अंदर है और कूल वाइट के अंदर है। यहाँ पे नीचे ऑफ वाइट है, यहाँ पे कूल वाइट है। पीछे व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई हैं सारी की सारी। SS का सिंक लगा हुआ है, ब्रांडेड सारी की सारी ये लगी हुई हैं CP फिटिंग्स सारी की सारी। और ये देख सकते हैं आप फुल्ली मॉडुलर किचन विद इलेक्ट्रिक चिमनी, सारे के सारे सॉफ्ट क्लोज के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम द्वारका में लगाते हैं सारे के सारे सॉफ्ट क्लोज के अंदर है। यहाँ पे जो चिमनी दी हुई है फेदर टच वाली चिमनी है ये, आप फेदर टच से मतलब टच करेंगे, हल्का टच करिए या फिर मोशन सेंसर से चलने वाली चिमनी है। स्टोरेज का पूरा पूरा ध्यान रखा हुआ है, हर जगह स्टोरेज बहुत अच्छी दी हुई है, ये बॉटल ट्रैप वगैरह सारी चीज स्टोरेज का पूरा ध्यान रखा हुआ है, सारा का सारा सॉफ्ट क्लोजर्स के अंदर है। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी हुई है, पहले आयरन बार्स दी हुई है, बाद में खिड़की दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, ऊपर आप अपना एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। प्रोफाइल लाइट का देखिए बहुत ही सुंदर काम कर रखा है, ऊपर भी और यहाँ नीचे भी। तो ये किचन के अंदर काफी जगह है। ये आपका जो एरिया आ गया, ये सारा का सारा एरिया आपका फ्रिज का है। तो दोस्तों ये हमारी किचन हो गई है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम में। दोस्तों फर्स्ट बेडरूम आप आएंगे, डायमेंशन इसकी है 15.5x11 की। और आप देख सकते हैं कारपेंटर जॉब कितनी की हुई है, लकड़ी का बहुत सारा काम किया हुआ है इसके अंदर। एक पूरी की पूरी वॉल पे लकड़ी का काम किया हुआ है। ये अलमीरा है, ऊपर स्टोरेज है। ये आपका स्टडी टेबल, ये आपका बच्चों के लिए रखने के लिए बुक शेल्फ और स्टोरेज के लिए, यहाँ चेयर लगा के अपना बच्चे आराम से स्टडी कर सकते हैं। सामने टीवी पैनल है, लूअर्स का बहुत सुंदर काम किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप नीचे। और यहाँ पे आपका बेड रखा जाएगा, उसके साथ में आपको साइड टेबल दी हुई है। और बेड के पीछे की एक्सेंट वॉल देखिए दोस्तों, ब्यूटीफुल एक्सेंट वॉल। अब वेंटिलेशन, क्योंकि एल टाइप कॉर्नर है तो वेंटिलेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन का दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको विंडो एसी लग जाएगा और यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी हुई है जिसके अंदर आयरन बार्स ऑलरेडी लगाई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी कलर बहुत अच्छा यूज़ किया है इन्होंने, ग्रे कलर जो यूज़ किया है ना, जैसे ग्रे एलिमेंट या डार्क ग्रे एलिमेंट दिया, यहाँ लाइट ग्रे एलिमेंट दिया, यहाँ लाइट ग्रे एलिमेंट दिया, स्टडी टेबल पे लाइट ग्रे दे के यहाँ लाइट ग्रे दिया है और डोर्स पे भी सब पे ग्रे एलिमेंट, विच इज़ गिविंग अ वेरी वेरी एस्थेटिक लुक। और दोस्तों आप देख सकते हैं इनके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी सारे के सारे ब्रांडेड हैं और बहुत हैवी ड्यूटी डोर एंगल्स हैं, हैंडल्स हैं। और हर जगह पे लॉक की प्रोविजन दी हुई है, हर जगह लॉक का, यहाँ लॉक का प्रोविजन है, यहाँ लॉक का है, हर जगह आप जहाँ देखेंगे लॉक का प्रोविजन है, चाहे टॉयलेट हो चाहे किचन, कहीं का भी डोर हो हैवी डोर हैंडल है, हैवी डोर है और लॉक का प्रोविजन भी दिया हुआ है। दोस्तों ये हमारी बालकनी आ गई है जिसके अंदर हमने ये वाली बालकनी, हमारी दो बालकनी है, एक तो ये वाली है और एक आगे है एल टाइप की बालकनी। ये वाली जो बालकनी है ये आप यूटिलिटी के अंदर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्यों, एक तो किचन के पीछे पड़ रही है, यहाँ हमने टैप भी दिया हुआ है और नीचे ड्रेन दिया हुआ है, यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन्स रख के या फिर किचन का एक यूटिलिटी बना के ये पूरी की पूरी बालकनी को आप यूटिलिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। यूटिलिटी वाली बालकनी जो होती है ना बड़े फ्लैट्स के अंदर, उस तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पावर प्लग भी दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत ही अच्छा आर्ट पीस है दोस्तों, ब्रांडेड L&T कंपनी के सारे स्विचेस हैं, आप देख सकते हैं सारे वारंटी वाले हैं। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम है, रूम साइजेस इसके अंदर 13x10 के हैं, बाकी तीनों, सबसे पहला था 15x11 का, बाकी सारे के सारे साइजेस 13x10 के हैं, 13x10, 13x11।
तो बात करते हैं, हमारा बेड आएगा यूं, सामने पीछे एक्सेंट वॉल देखिए, बहुत ही प्रीमियम काम किया हुआ है, पत्ती का काम किया हुआ है, माइका का काम किया हुआ है, यहाँ पे मार्बल माइका का काम किया हुआ है, वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी हुई है, एसी के लिए आपको यहाँ पे विंडो एसी का प्रोविजन दिया हुआ है, साइड टेबल ऑलरेडी रख चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बेड आएगा, यहाँ पे किंग साइज बेड रखा जाएगा, बेड के बिल्कुल सामने टीवी पैनल दिया हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल, और साइड में आपको फुल लेंथ आपको काफ़ी बड़ी अलमीरा दी हुई है, अंदाजन 6 फुट की अलमीरा है ये, और यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है, ऊपर फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, पंखे हर रूम में लगे हुए हैं, और इसमें कंसील लाइट के साथ साथ सीओबी डाउन लाइट जो फोकस लाइट होती है वो भी लगी हुई है। डोर का डिज़ाइन देखिए दोस्तों, ब्यूटीफुल। तो हमारे थर्ड रूम में जाने से पहले दोस्तों, ये एरिया आपका आप यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा शीशा दिया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा शीशा दिया हुआ है यहाँ पे, आपको वॉश बेसिन दिया हुआ है, नीचे स्टोरेज दी हुई है, तो आपको किसी वॉशरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गेस्ट आते हैं डिनर करते हैं तो यहीं पे हाथ धो सकते हैं। अब यह हमारा थर्ड बेडरूम है, थर्ड बेडरूम आ गया, सबसे पहले यहाँ पे हमारा बेड आएगा, ये आपकी अलमीरा हो गई, काफ़ी बड़ी अलमीरा है, यहाँ पे आपका ड्रेसिंग टेबल हो गया है, लुकिंग मिरर के साथ में है, काफ़ी बड़ा ड्रेसिंग टेबल है, लुकिंग मिरर काफ़ी बड़ा है, वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी हुई है, एसी के लिए यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, और ये आपका बालकनी का डोर है, बालकनी में आपको लास्ट रूम से दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, अटैच टॉयलेट बाथरूम, ये पहला टॉयलेट बाथरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, अटैच टॉयलेट बाथरूम, वॉल माउंटेड सीट है दोस्तों, सामने आपको ये सारा का सारा आपको रेन शावर दिया हुआ है, बेदिंग एरिया हो गया, और यहाँ आके देखेंगे वैनिटी दी हुई है वॉश बेसिन के साथ, बहुत बड़ा लुकिंग मिरर दिया हुआ है, वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी दी हुई है, फॉल सीलिंग भी है, गीजर के लिए आपको वो भी दिया हुआ है प्रोविजन, और यहाँ पे जैसे होटल्स के अंदर होता है वैनिटी के ऊपर जगह दी होती है सोप रखने के लिए, टॉवल रखने के लिए सारी दी हुई है, टाइल्स कितनी प्यारी हैं, बहुत प्यारी टाइल्स। अब हम आ गए हमारे फोर्थ बेडरूम में, जो कि मास्टर बेडरूम है, वुडन फ्लोरिंग हुई हुई है, सामने टीवी पैनल है, यहाँ मेटल वर्क हुआ हुआ है, ये अलमीरा है, और ये आपको पूरी की पूरी एक्सेंट वॉल दी हुई है, पीछे लूअर्स के साथ में आपको प्रोफाइल लाइट का काम दिया हुआ है, और यहाँ आपको ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है, और इसका अटैच टॉयलेट बाथरूम की बात करूँ तो अटैच टॉयलेट बाथरूम के अंदर भी आपको वॉल माउंटेड सीट है, ऊपर सामान रखने के लिए जगह दी हुई है, ये आपका वॉशिंग एरिया हो गया, यहाँ पे आपको वैनिटी के अंदर पीछे वैनिटी है, और वैनिटी के साथ साथ आपको वॉश बेसिन भी दिया हुआ है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारी बालकनी, तो दोस्तों ये हमारी बालकनी आ गई है, हमारा फ्रंट में आप देख सकते हैं 20x22 फुट का रोड है, जिधर बिजली पानी दिल्ली जल बोर्ड का पानी सीवर सब चीज़ें रेडी हैं बिल्कुल, और ये आप देख सकते हैं वुडन का काम किया हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम काम किया हुआ है, काफ़ी बड़ी बालकनी है, और वहाँ पे भी हमने टैप दिया हुआ है और ड्रेन दिया हुआ है अगर आप यूटिलिटी बनाना चाहें तो आप, बाकी ये आपकी बालकनी पूरी एंजॉय करने के लिए है, आयरन रेलिंग दी हुई है पूरी की पूरी, और बहुत अच्छा फील है, तो देख रहे सिलेंड्रिकल लाइट्स दी हुई हैं यहाँ पे, रात को बड़ा प्रीमियम लगता है, बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं आप। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारे वीडियो के एंड में, वीडियो कैसी लगी नीचे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को शेयर करिएगा, जो आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो लोग देख रहे हैं फ्लैट 4BHK का, उनको ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों हमारे पास 1BHK 2BHK 3BHK 4BHK की इन्वेंट्री बहुत सारी है, 1BHK 13.5 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये के बीच में है, 2BHK 22.5 लाख रुपये से लेकर 35 लाख के बीच में है, 3BHK 35 लाख रुपये से लेकर 50 लाख 55 लाख के हैं, और 4BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 60 लाख 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक के सारे हैं, डिपेंडिंग ऑन दिस साइजेस। 4BHK 120 गज में भी है, 135 में भी है, 150 गज में भी है, उतने ही प्राइजेस बढ़ते जाएंगे, और यही इन्वेंट्री हमारे पास द्वारका में भी है, द्वारका में हमारे पास 2BHK 3BHK 4BHK 2BHK 72 गज में 80 गज में, 3BHK 150 गज में 210 गज में, और 4BHK 250 गज में। तो दोस्तों द्वारका के अंदर भी हमारे पास सारी की सारी इन्वेंट्री आ चुकी है,
कुछ टाइम से हमारी वीडियो इसलिए नहीं डल पा रही थी कि हम रेगुलर शूट कर रहे थे, रेगुलर एडिटिंग चल रही है, तो इस वजह से अब रेगुलरली 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK की, चाहे उत्तम नगर साइड में हो, द्वारका मोड़ साइड में हो, चाहे प्रॉपर द्वारका सेक्टर के अंदर हो, दोनों वीडियोस डलने लग जाएंगी। तो दोस्तों फ्लैट, सारे के सारे फ्लैट्स अभी अवेलेबल हैं, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिंगल यूनिट है, LIC से लोन है, कार पार्किंग, लिफ्ट है, बिजली, पानी, अल्ट्रा लग्जूरियस, अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैट है। मौका मिस ना करें, मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर है। जल्द से जल्द नीचे दिए नंबर्स पे कॉल करके आएं और इस घर का सपना, मतलब ड्रीम होम का सपना अपना पूरा करें। बहुत ही प्यारा फ्लैट है, एक बार साइट विजिट जरूर करना इसकी अगर हो सके तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर। दोस्तों सारी वीडियोस आने वाली हैं द्वारका की भी और द्वारका मोड़ उत्तम नगर की भी, चैनल पे बने रहिएगा। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम भी आप लोग प्लीज़ फॉलो करिए, उसको अपडेट रहिए उस पर भी, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आप फॉलो करके आते हैं हमारे पास और दिखाते हैं, हम फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं आपके, यूट्यूब पे तो आपने प्यार बहुत दिया है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर। दोस्तों किराया पराया है, किराए के मकान में ना रहें, अपना मकान लें, अपना मकान लें। दोस्तों किराएदार से मकान मालिक का सफ़र पूरा होगा आपका जिनी होम्स पे। जल्द से जल्द नीचे दिए नंबर पे कॉल करें, आपका बजट चाहे जो मर्जी हो, जितनी मर्जी डाउन पेमेंट है, हमारे पास फ्लैट ऐसे भी हैं जिन पे जीरो डाउन पेमेंट है, 1 BHK का भी और 2 BHK का भी है जीरो डाउन पेमेंट वाला, जिस पे आपको डाउन पेमेंट कुछ नहीं देनी, सिर्फ रजिस्ट्री के पैसे लेके आने हैं। तो हर तरह के ऑप्शन है हमारे पास। 4 BHK के अंदर भी हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कम से कम 8 से 10 ऑप्शन हैं। तो जल्द से जल्द आएँ और अपना सपना पूरा करें घर लेने का, ड्रीम होम लेने का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।